नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि थम गया है। दरभंगा में जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसका प्रचार प्रसार थम गया। आप समझ सकते हैं कि बस 24 घंटे की देरी है और मतदान शुरू हो जाएगा। बता दें कि चुनाव प्रचार थमा। जिले में लागू हुई धारा 144, डीएम ने कहा शांतिपूर्ण होगा मतदान। दियारा क्षेत्रों में तैनात किया गया घुड़सवार सुरक्षा बल। मतदान के लिए 1786 मतदान केंद्र तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज शाम चुनाव का शोर थम गया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को होना है मतदान। इस लोकसभा क्षेत्र से कुल 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के 17,81,356 मतदाताओं को करना है। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श मतदान केंद्र और एक पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं दरभंगा के 2 विधानसभा क्षेत्र जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसमें कुल 519,568 मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला करना है। 13 मई को चौथे चरण में करना है। इसके लिए कुल 520 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रशासन ने निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जिले में कुल 225 लाइसेंसी हथियारों को जमा करा लिया है। 16 हथियारों का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र दियारा इलाके में मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए 2 कंपनी घुड़सवारों की टीम भी पहुंच गई है, जिन्हें कुशेश्वर स्थान और तिलकेश्वर स्थान के दियारा इलाके में तैनात कर दिया गया है। इंटरव्यू सुनिए। 13 मई को दरभंगा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में और दरभंगा संसदीय क्षेत्र में और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या 6 बजे तक है। जिले के सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, महायज्ञ में भागीदारी लेकर के लोकतंत्र को मजबूत करें, एक वोट दें अपने देश के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कुल 17,81,356 मतदाता हैं और समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के 2 असेंबली सेगमेंट में कुल 519,568 मतदाता है। जिले में पिंक बूथ, जिसे महिला ही सारे उसमें मतदान कर्मी होंगे, सभी असेंबली सेगमेंट में एक एक बनाया गया है। जो आदर्श मतदान केंद्र है, सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और ये जो सदर है इसमें 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिव्यांग और एक हम लोगों का यूथ मतदान केंद्र भी बनाया गया है। कुल मतदान केंद्र दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 1785 है, जो 1020 लोकेशन में अवस्थित है। समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो 2 असेंबली सेगमेंट है, इसमें 520 मतदान केंद्र हैं जो 297 स्थान पर अवस्थित है। यहाँ चेक पोस्ट 49 है, उसका SST है, FST है, वो लोग चेकिंग करेंगे और कैश सीजर, लिकर सीजर उनका जिम्मेदारी है। और दूसरा बूथ पे हमारा पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी रहेंगे, दंडाधिकारी का सब, फिर सेक्टर पदाधिकारी रहेंगे, जोनल पदाधिकारी रहेंगे, QRT भी है थाना स्तर पे और SDPO QRT है और पर्याप्त संख्या में बल आ चुका है और हर बूथ पे पुलिस पदाधिकारी कर्मी रहेंगे। तो अलग अलग फोर्स आया हुआ है और पर्याप्त संख्या में है और काफ़ी बल है। घुड़सवार का है देरा क्षेत्र में, जो हम लोगों का जो तिलकेश्वर और कुशेश्वर स्थान में हम लोग घुड़सवार का एक पार्टी आया, 2 पार्टी आया, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग जी नाव से भी, नाव भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा QRT पर्याप्त संख्या में हम लोग रखे हुए हैं।